नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज हम आपके लिए लेके हैं डिटरमिनेंट के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हमारे सीबीएसई में पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं आने वाले अगले सालों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आपसे क्या कहता है। प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर ऑलवेज हैज द डिटरमिनेंट जीरो। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो ओड ऑर्डर का, उसका जो आंसर होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने मान लिया लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो ए है वो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो ए का ऑर्डर है वो है 2k+1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2k+1, यही मतलब है ना, क्योंकि एक स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है और साथ में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। या आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो पहले की तरह ही लिख लो एन मल्टीप्लाई एन, वेयर वेयर एन इज ओड नंबर, जो एन हमारे पास है वो क्या है, ओड नंबर के बराबर है। ठीक है जी, चलो फिर आपको अच्छे से मालूम है कि जो ए का ट्रांसपोज होता है वो माइनस ए के बराबर होता है। क्यों? बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डेफिनेशन कहती है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद मैंने इसके दोनों तरफ जो है वो डिटरमिनेंट का सिंबल ले लिया। अगर मैं इसके दोनों तरफ डिटरमिनेंट का सिंबल ले लूं तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि जो ए का डिटरमिनेंट है और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो दोनों सेम होता है, इसलिए जो ये वाली चीज है वो डिटरमिनेंट ए के बराबर आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा था के ए का डिटरमिनेंट निकालना, तो हमने कहा था ए की हर रो में से किसको कॉमन निकालेंगे, के को, तो इसका ऑर्डर कितना है एन, सो दिस विल बी के रेज टू पावर एन और साथ में क्या आएगा डिटरमिनेंट ए। तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो मेरे पास आएगा -1 रेज टू पावर एन और साथ में डिटरमिनेंट ए। अब आप लिखोगे क्योंकि एन ऑड है, एन इज ऑड, इसलिए -1 रेज टू पावर एन दिस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, -1 के, तो यहां लिख दो। सो दिस विल बी डिटरमिनेंट ए, दिस विल बी माइनस का डिटरमिनेंट ए, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास आएगा डिटरमिनेंट ए प्लस में डिटरमिनेंट ए, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए में डिटरमिनेंट ए को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 times डिटरमिनेंट ए, दिस विल बी जीरो। तो जब आप यहां से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे दिस विल बी 0/2 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 2017-18 में इस क्वेश्चन ने बहुत हल्ला मचाया, सीबीएसई के पेपर में आया और बहुत सारे लोगों को परेशान किया, जिसकी वजह से कई बच्चों का जो स्कोर है वो 95-96 अटक गया, जबकि वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे क्योंकि वहां पे उस समय 4 नंबर का आता था, अब ये 2 का ही आएगा। ए कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की, एन एक ओड नंबर है, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा, तो इसलिए आप इसको देख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दिस विल बी डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो -1 रेज़ टू पावर एन होगा, क्योंकि कहता है कि स्केलर जो बाहर निकलता है तो हर एक रो में से बाहर आता है, कितना निकलता है जितना रोज है, कितनी है एन है, इसको लिखूंगा तो सेम टू सेम आएगा क्योंकि एन ओड है, तो -1 रेज़ टू पावर एन -1 के बराबर है, तो हमने इसको यहां पुट कर दिया। जब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट ए दिस विल बी जीरो, सो 2 times डिटरमिनेंट ए विल बी जीरो, सो यू कैन से द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, इसी की तर्ज के ऊपर सीबीएसई ने 2015 के अंदर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे कहते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो। एक 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है, ये 0 है। ये क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है और 4 का भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, अगर 1 का आएगा तो सीधा आपको दिख रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज करके देख लो, अगर आप इसका ट्रांसपोज करके देखोगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, इसलिए जो इसका आंसर है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को अगर 4 नंबर में है तो मैं कैसे करूंगा, आप इसको ऐसा लिख लेना लेट ए का डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू 0, 2 और -3। इसको मैंने लिखा -2, 0 और 4, दिस इज 3, -4 और 0, ऐसा बनेगा।
फिर मैंने आपसे कहा कि आप ना एक का ट्रांसपोज कर लो, आपने कहा अच्छी बात है, कल तो सिखाया था रो को कोलम, कोलम को रो, तो रो को कोलम में बदलेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 2 और माइनस 3, और ये हमारे पास आएगा माइनस 2, 0 और 4, ये आएगा 3, माइनस 4 और 0, ऐसा बनेगा। सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। पहली रो में से माइनस 1 कॉमन, दूसरी रो में से माइनस 1 कॉमन, तीसरी रो में से माइनस 1 कॉमन, तो मुझे मिलेगा क्या, दिस विल बी 0, 2, माइनस 3, यहां से भागेगा माइनस 2, 0 और 4, यहां से भागेगा 3, माइनस 4 और 0, ऐसा बनेगा। फिर हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि a का निकाल लो या a के ट्रांसपोज का निकाल लो, आंसर तो दोनों का सेम आता है, तो हमने a ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिख दिया, a का डिटरमिनेंट लिख दिया। तो जब मैं इसको चेक करूंगा जो ये वाली चीज है वो मुझे क्या देगा, डिटरमिनेंट a देगा, तो मैंने इसकी जगह लगा दिया, सो दिस विल बी डिटरमिनेंट a, दिस विल बी माइनस 1 रेज टू पावर 3, और इसकी जहां पे मैंने वापस वैल्यू लगाया डिटरमिनेंट a। अब आपको मालूम है माइनस 1 रेज टू पावर 3 जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, तो इसके बीच में लगा दो, सो डिटरमिनेंट a दिस विल बी माइनस 1 रेज टू पावर 3 करेंगे तो माइनस 1, दिस विल बी डिटरमिनेंट a, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट a प्लस में डिटरमिनेंट a दिस विल बी 0, तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं 2 टाइम्स डिटरमिनेंट a दिस विल बी 0 एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a दिस विल बी इक्वल टू 0/2, तो आप लिख सकते हो जो हमारे पास a मैट्रिक्स आएगी उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा तो आप लोगों को इसको ऐसे करना, सबसे पहले हमने इसको डिटरमिनेंट a माना, फिर हमने a का ट्रांसपोज निकाला, a का ट्रांसपोज a का डिटरमिनेंट सेम होता है उसको सेम चेंज कर दिया, तीनों में से माइनस 1 को कॉमन निकाला रोज में से, तो ये वापस a में कन्वर्ट हो गया, तो a का डिटरमिनेंट दिस विल बी माइनस 1 रेज टू पावर 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a, माइनस 1 रेज टू पावर 3 जो है वो माइनस 1 के बराबर होता है, इस माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का डिटरमिनेंट होगा, सो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट a दिस विल बी 0, सो डिटरमिनेंट a विल बी इक्वल टू 0/2, तो जो हमारा आंसर है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, कर लेंगे इसको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में 2 मार्क्स का यहां से आ सकता है, 4 का भी आता है, वैसे इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल 2 नंबर का आएगा जो हम आपको अगला कराने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रेंगल सिखाया था, अब मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ना 3 पॉइंट्स हैं x1 y1, फिर हमारे पास है x2 y2 और फिर हमारे पास है x3 y3। मैंने आपसे बोला ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तीनों के तीनों एक लाइन के ऊपर है। अच्छा, तीनों एक पे कुर्सी बिछाई बैठे हैं तो क्या कहते हैं, तीनों एक लाइन के ऊपर है तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, तो आप क्या लिखोगे, नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, कोई ट्रायंगल ही नहीं बना, कैसे बनेगा, तीनों कुर्सी बिछाए बैठे हैं, तिरछे बैठे हैं तो बात बनेगी, कोई ट्रायंगल ही नहीं बनी, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिस विल बी इक्वल टू 0, इसलिए जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस समय में जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो 0 होता है, और अगर एरिया 0 है तो इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर होंगे। चलें आगे, हमारे पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास करती है, पहला है ए दैट इज गिवन बाय x1, y1 और बी दैट इज गिवन बाय x2, y2, तो आपसे कहता है इसका यूज करके हम लोगों को लाइन की इक्वेशन बतानी है कि जो लाइन बनेगी उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, 2 मिनट आपको देते हैं, आप सोचिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे करना चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स दिस वन। ठीक है, तो चलिए ऐसा चलते हैं, ये एक लाइन है 2 पॉइंट से पास करती है, एक ए से एक बी से, तो ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। अगर आपने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा जब भी मुझे किसी लाइन का इक्वेशन निकालना होता है तो उसके ऊपर मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट अपनी मर्जी से लेता हूं, दैट इज रिटन एज x, y। सही है कि नहीं है? तो अब आप क्या लिखोगे, पी ए बी आर कोलिनियर, जो पी ए बी है वो कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो सीधी सी बात है कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, और अगर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, 0 है। एरिया निकालना तो आपने बड़ी जल्दी सिखाया था थोड़ी देर पहले, 1/2, इसको मैंने लिखा एक्स वाई साथ में 1, यहां पे क्या लिखेंगे, x1 y1 और 1,
यहां पे क्या लिखूंगा x2 y2 और 1 किसके इक्वल आएगा जीरो के। इस 1 बाय 2 को उधर ले जाओ तो हमारे पास आएगा x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 दिस विल बी जीरो मल्टीप्लाई टू इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर ये क्वेश्चन चार नंबर का है तो आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देना और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद आप लोगों को वही मिलेगा जो आपने अपनी प्लस वन क्लास में पढ़ा था y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स वन। ठीक है, वैसे ये चार नंबर का आएगा नहीं तो पेपर में अगर आप इसको यहां तक भी करके छोड़ देंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। चार का आएगा तो एक्सपेंड कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, इधर उधर कर लेना। आंसर आएगा y माइनस वाई वन दिस विल बी y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में x माइनस एक्स वन। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फील कीजिए कैसा है, वहां लिखा होगा बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो आधे से ज्यादा लोगों को वहां जाके समझ नहीं आता कि डिटरमिनेंट में लाइन कहां पड़ी। हम लोगों ने हमने तो ट्रेंगल पढ़ा था लेकिन ट्रेंगल लाइन के साथ एसोसिएटेड है, अगर कोई भी तीन पॉइंट्स लाइन के ऊपर है तो ट्रेंगल बनेगा ही नहीं, और कोई ट्रेंगल नहीं बना तो एरिया क्या होगा जीरो के बराबर होगा। ठीक है जी, कर लेंगे इसको, चले आगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहां पर जाके ना वो प्लस वन वाला करना शुरू कर देते हैं, भैया डिटरमिनेंट का यूज करके करना है। अगला सवाल, लास्ट सवाल है जो हमारे पेपर में दो नंबर का आ सकता है, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हम लोगों को के का वैल्यू बताना है सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो गिवन पॉइंट्स हमारे पास है, गिवन पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, जो गिवन पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या है कोलिनियर है। तो सबसे पहले आपसे क्या कहता है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दिस इज गिवन टू बी 35 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा हमें दिया है। फिर आपसे कहता है ए दे रखा है, ए पॉइंट हमारे पास है k कोमा 4, बी पॉइंट हमारे पास है 2 कोमा माइनस 6 और सी पॉइंट हमारे पास है 5 कोमा 4। आपसे कहता है मुझे ये बताओ कि k का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। कोलिनियर नहीं दिया, इस बार एरिया आपको दे रखा है और एरिया निकालना हम लोगों को आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ध्यान होगा ना कि किसी भी ट्रेंगल का एरिया जब नेगेटिव आता था तो हम कहते थे कि पॉजिटिव आना चाहिए ना, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसको लिखते हैं, आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिस इज 1 बाय 2, मैंने इसको लिखा के 4 दिस विल बी 1 2 माइनस 6 और 1, इसको मैं लिखूंगा 5 4 और 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 35 के इक्वल आएगा। कोई समस्या नहीं, आसान है बिल्कुल। ठीक है जी, चलो इस दो को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इस दो को मल्टीप्लाई करूंगा 35 मल्टीप्लाई टू किसके इक्वल आएगा 70 के। इसको देखो क्या बनेगा, दिस के जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो माइनस का 6 माइनस का 4, फिर माइनस 4 से एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का 4 ऐसे जाएगा तो आएगा 2 माइनस का 5, इसको मैं लिखूंगा प्लस का 1, सो दिस विल बी 8 और प्लस का 30, ऐसा बन जाएगा। तो इसका देखो क्या बना, दिस विल बी माइनस का 10 के, इसको लिखूंगा तो माइनस का 4 और माइनस का 3 तो प्लस का 12, इसको लिखूंगा तो प्लस का 38, दिस विल बी इक्वल टू 70, ऐसा बनेगा। और आपको ये भी मालूम है ये मॉडुलस में होता है, ये जो है वो मॉडुलस में होता है। तो अब इसको देखो क्या बन गया, दिस विल बी माइनस का 10 के प्लस में 38 में से 12 को एड करेंगे तो प्लस का 50, दिस विल बी इक्वल टू 70। जब मॉडुलस चलेगा तो प्लस माइनस का निशान आ सकता है, तो माइनस का 10 के प्लस का 50 बराबर होगा प्लस माइनस 70 के। तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो जब आप इसको प्लस लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 10 के प्लस का 50 दिस विल बी 70 और माइनस का 10 के प्लस का 50 दिस विल बी माइनस का 70। तो जब हम यहां से वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 10 के दिस विल बी 70 माइनस 50, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 10 के दिस विल बी 20, सो द वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू 20 बाय माइनस 10। जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कैंसिल करके के का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा माइनस 2 आएगा। इसको देख लीजिए, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 10 के बराबर आएगा माइनस का 70 और माइनस का 50, तो माइनस का 10 के बराबर आएगा माइनस का 120, ये भी कट गया तो के का वैल्यू आएगा 120 बटे 10, इसको भी कैंसिल करेंगे तो के का जो वैल्यू है दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12, जो हमारे पास k है उसका वैल्यू 12 आ जाएगा। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में 2 ही मार्क्स का आ सकता है, 4 नंबर का थोड़ा नजायज हो जाता है। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए,
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आपका मोटिवेशन होगा उतना अच्छे से हम अपना और अच्छा वीडियोस बना पाएंगे। ठीक है जी, तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।